नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। बिहार के नवादा में 21 घरों में लगाई गई आग, गांव के दबंगों का घरों में आग लगाने का आरोप, फायरिंग के बाद आगजनी करने का आरोप, जमीन विवाद में आगजनी करने का आरोप। ये तस्वीरें हैं बिहार के नवादा के कृष्णानगर गांव की। यहां एक दो नहीं बल्कि 21 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जहां आगजनी की गई वो दलित बस्ती है और आगजनी करने का आरोप गांव के ही दबंगों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के दबंगों और बस्ती वालों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि बुधवार शाम बस्ती में पहुंचे कुछ दबंगों ने पहले फायरिंग की, फिर एक एक करके बस्ती के 21 घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। नवादा अग्निकांड में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। नवादा की घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है, साथ साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। नवादा अग्निकांड में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि लगातार तनाव बना हुआ है और इस पर पुलिस का एक्शन भी है। मुख्य आरोपी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में, अग्निकांड पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो जमीन विवाद मामला और जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने यहां पर उत्पात मचाया। जमीन विवाद में आगजनी करने का आरोप है इन लोगों पर, फायरिंग के बाद आगजनी का आरोप है। गांव में दबंगों ने घुसकर ये कांड किया है, ये अपराध किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला की। महाराष्ट्र के अकोला में विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद अकोला के अकोट शहर में तनाव। कैमरे में कैद हुए पत्थरबाजी करते उपद्रवी पुलिस ने संभाला मोर्चा। फिलहाल स्थिति सामान्य, पुलिस ने 30 से 35 लोगों को हिरासत में लिया। तस्वीरें आप देखिए, पत्थरबाजी करते हुए ये सभी लोग कैमरे में कैद भी हुए हैं। अभी तक की कार्रवाई में 30 से 35 लोगों को हिरासत में लिया गया। गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट शहर की। आरोप है कि नंदीपेठ इलाके से जब विसर्जन जुलूस निकल रहा था तब अचानक जुलूस पर पथराव होने लगा। लोगों के पीछे से अचानक बड़े बड़े पत्थर आने लगे, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में कई युवक पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ने से पहले ही स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 30 से 35 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। राजधानी के दौसा में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। बच्ची के करीब 20 से 25 फीट के आसपास फंसे होने की आशंका है। बोरवेल के बराबर में की जा रही है खुदाई। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक बच्ची करीब 20 से 25 फीट अंदर फंसी हुई है। पैरेलल यानी उसके बिल्कुल बराबर, बोरवेल के बराबर एक खुदाई की जा रही ताकि बच्ची तक पहुंचा जा सके। बच्ची को निकालने की कोशिश जारी है। दौसा की खबर है, दौसा में बोरवेल में यह 2.5 साल की बच्ची गिरी है, जिसे निकालने के लिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं बोरवेल में फंसी 2.5 साल की नीलू की, जो बुधवार को खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिर गई। यह हादसा दौसा के बांदीकुई में हुआ। जानकारी लगते ही परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक बच्ची बोरवेल में 20 से 25 फीट के आसपास फंसी है। उसे बचाने के लिए बोरवेल के बराबर में एक गड्ढा खोदा जा रहा है। इस काम में 3 JCB को लगाया गया है और जल्द बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा।
खबर मथुरा से है। मथुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी और मालगाड़ी के 25 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे हैं, डिरेल हुए हैं। रेल यातायात शुरू करने के लिए काम जारी है। 18 ट्रेन निरस्त की गई हैं और 18 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। बुधवार शाम झांसी से सुंदरगढ़ जा रही एक मालगाड़ी वृंदावन रोड स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 25 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी हो गए और रेलवे ट्रैक पर कोयले का ढेर लग गया। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों रूट पर रेल यातायात ठप हो गया है। इस हादसे के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 18 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, जबकि 18 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही रेलवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक क्लियरेंस का काम शुरू कर दिया गया। इधर बिहार के समस्तीपुर में भी मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हो गई। बिहार के समस्तीपुर में एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा नारायणपुर स्टेशन के पास हुआ, जिसके कारण रेलवे लाइन पर यातायात बाधित हो गया। इसके बाद 13 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, जबकि 3 ट्रेनों को आंशिक रूप से डाइवर्ट किया गया, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय लग रहा है कि 2 घंटे में अपलाइन चालू हो जाएगी, थोड़ा और टाइम लगेगा, उस पर डाउनलाइन भी चालू हो जाएगी। अब ये डिरेलमेंट क्यों हुआ, इसका जांच करना पड़ेगा। क्यों डिरेलमेंट हुआ है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इसका जांच हम लोग पहले अभी गाड़ी चालू करते हैं, उस पर जांच ऑर्डर करेंगे। और बात करते हैं बाहर से बिहार, यूपी की महोबा में क्योलारी नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गाँव का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं लापरवाही के चलते एक डंपर नदी में बह गया। ये तस्वीरें यूपी के महोबा की है, जहां ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक डंपर नदी में समा गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने तैर कर अपनी जान बचा ली। ग्रामीणों के रोकने के बावजूद भी ड्राइवर ने पानी में डूबी पुलिया में डंपर उतार दिया। ड्राइवर अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और इससे पहले कि चालक कुछ समझ पाता, देखते ही देखते डंपर ट्रक चालक की जल्दबाजी के चलते सीधा नदी के पानी में समा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। नदी के आसपास तकरीबन 1 दर्जन गाँव का आवागमन बाधित हो गया है। फिरोजाबाद में लगातार हो रही बारिश से दुर्गेश नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरे इलाके में पानी भर गया है। फिरोजाबाद के दुर्गेश नगर में मूसलाधार बारिश ने लोगों के हाथ पैर फुला दिए हैं। बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है, चारों तरफ जल भराव हो गया है। घरों में पानी भरने से लोग छतों पर जाकर बैठ रहे हैं। बारिश के चलते माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क नहीं बनने से इलाके में जल भराव की स्थिति बन गई है। यहाँ पे सब में पानी भरा हुआ है, सबके घरों में लोगों ने छतों पे पन्नी डाल ली है। बेचारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, न निकल पा रहे बच्चों को लेके, न खाने पीने के नहीं है किसी के पास, कुछ भी हो पा रहे हैं। यूपी के जालौन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बांध से छोड़े गए पानी से हालात बेकाबू हो गए। ये रिपोर्ट जालौन में मूसलाधार बारिश के चलते करई बांध के ओवरफ्लो हो जाने से मलंग नाला उफान पर है, जिससे कोंच नगर के 3 मोहल्ले में पानी घुस गया है। पानी घुस जाने के कारण सैकड़ों लोग प्रभावित हो गए हैं। नगर का जनपद के दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए राहत बचाव कार्य भी चलाया है। 3 जगह हम लोग कोंच में राहत कैंप बना रहे हैं, जिससे कहीं भी किसी को कोई असुविधा ना हो। यूपी के मिर्जापुर में अदवा बैराज से छोड़ा गया पानी कई इलाकों में तबाही मचा रहा है, जिससे आसपास के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मिर्जापुर के अदवा बैराज के 5 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 43,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। पानी खुलने से इलाके में जमकर तबाही हुई है। बाढ़ के पानी से कई जगह सड़क पर पेड़ टूट कर बह रहे हैं। एक बाइक एजेंसी में पानी भर गया है, जिससे करीब 70 से ज्यादा मोटरसाइकिलें डूब गई हैं। वहीं कई इलाके के SDM ने अदवा बैराज और पानी बहने वाले रास्ते पर रहने वालों से पत्र जारी कर अपील की है कि वो लगातार हो रही बारिश के चलते मछली पकड़ने, पशु चराने और नहाने के लिए पानी के पास न जाएं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सोनभद्र में 48 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। सोनभद्र में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान और जान का खतरा झेलना पड़ रहा है। गांव में बारिश का पानी घुस गया है, वहीं मिट्टी के बने करीब 100 से ज्यादा मकान धराशाही हो गए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।
साथ ही 6 जानवरों की भी मौत हो गई है। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए भुगतान की तैयारी कर रहा है। डीएम के निर्देश पर तहसीलों से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ितों के खाते में मुआवजे के पैसे डाले जाएंगे। जन हानि पर 4 लाख रुपए, पशु हानि पर 20 से 35 हजार रुपए दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए हादसे की। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ। इमारत का कुछ हिस्सा ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा होने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मलबे में दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं दिल्ली की होने वाली मुख्यमंत्री आतिशी ने करोल बाग हादसे में मृतकों और घायलों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। सहारनपुर में शिवालिक जंगल से निकलकर एक तेंदुआ शेरपुर गांव के पास खेत में लगे तार में फंस गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को बचाया गया। कुछ दिन पहले यूपी के लोग तेंदुओं के आतंक से थर्राए हुए थे। तेंदुओं के हमले में कई लोगों की मौत भी हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसी बीच सहारनपुर में शेरपुर पेलो के पास एक किसान के खेत की तार बाड़ में एक तेंदुआ फंस गया जिसके पैर तारों में उलझ गए। उसके दहाड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण खेतों की तरफ गए। तेंदुए का एक पंजा कटीले तारों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था जिसके कारण तेंदुआ जख्मी हो गया था। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारी को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने करीब घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को बचाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां तेज रफ्तार हाईवे मजदूरों से भरे ऑटो पर पलट गया और हादसे में 7 लोगों की मौत। जबलपुर से 70 किलोमीटर दूर चरगवा में मजदूरों से भरे ऑटो पर हाईवा पलट गया। हादसा बुधवार शाम को हुआ। इस हादसे में मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 पति-पत्नी और 1 दंपत्ति का 3 साल का बच्चा भी है। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जिन्हें सिरोहा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे से नाराज ग्रामीण शव को लेकर हाईवे पर बैठ गए हैं। इसकी वजह से स्टेट हाईवे पर भीषण जाम लग गया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने से करीब 10 फीट तक गड्ढा हो गया। TV9 भारतवर्ष ने हरियाणा से राजस्थान तक इस एक्सप्रेसवे पर 250 किलोमीटर तक सफर कर इसका जायजा लिया। तस्वीरें दुनिया के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है जहां करीब 10 फीट का गड्ढा होने से हड़कंप मच गया। गड्ढे वाली जगह से वाहनों की आवाजाही भी देखी जा सकती है। गड्ढे की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। यहाँ एक्सप्रेसवे की क्या हालत हुई है ये आप देखिए तस्वीरें, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। और पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ही बहकर नीचे की ओर चला गया और पिछले 1 से 1.5 महीने से हालात ऐसे ही एक्सप्रेसवे पर बने हुए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सबसे खतरनाक तस्वीर, यहाँ पर कोई भी हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। महाराष्ट्र के पनवेल से हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां बेटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। झकझोर देने वाली वारदात ये नवी मुंबई के पनवेल की है जहां 13 सितंबर को प्रिया नाइक का शव खून से लथपथ हालत में घर में पड़ा मिला। उसके गले में चोट के गंभीर निशान थे और उसके मुंह से खून भी बह रहा था। जांच के दौरान पता चला कि प्रिया नाइक की हत्या रस्सी या वायर जैसी वस्तु से गला घोटकर की गई थी। पुलिस ने 15 सितंबर को हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि प्रिया की हत्या में उनकी बेटी का भी हाथ है। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर चुनाव की। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आज जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां करेंगे पीएम। श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम। कटरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण खत्म हो गया है। इसी के साथ बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। आज पीएम मोदी फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम की पहली रैली दोपहर 12 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में होगी। यहां रैली को संबोधित करने के बाद पीएम कटरा के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 3 बजे पीएम कटरा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में कल वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के ने बताया कि 24 सीटों पर 61% वोटिंग हुई। किश्तवाड़ में 80 लोगों ने मतदान किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने बता दिया है कि अब यहाँ की आवाम अमन चयन चाहती है। चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 61% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे अधिक 80.14% मतदान हुआ। कुलगांव में सबसे ज्यादा 62.46% मतदान हुआ, जबकि पुलवामा में 46.65% मतदान हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जनता से कई बड़े वादे कर सकती है। बता दें कि हरियाणा में एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वक्त संशोधन बिल पर आज जेपीसी की बैठक। आज और कल होगी जेपीसी की बैठक। जेपीसी के पास अब तक आ चुके हैं 84 लाख सुझाव। एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश के सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कमेटी की सिफारिशों पर देश की सभी मंचों पर इस पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद इसे लागू करने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ये देश में ऐतिहासिक चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हालांकि कई विपक्षी दलों का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही जा रही है। हालांकि कई राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक देश एक चुनाव हो। एक देश एक चुनाव के लिए समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 62 सियासी दलों से राय ली थी। इन राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन, 15 ने विरोध और 15 ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। जेडीयू ने यहां बिल का समर्थन किया है, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने मामले में अपनी राय नहीं दी है। कोविंद कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और फिर दूसरा फेज 100 दिनों के भीतर होगा, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। लेकिन इस पर विपक्ष कह रहा है कि एक देश एक चुनाव मुमकिन नहीं है। तिरुमाला मंदिर के प्रसाद पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान, पिछली सरकार ने घी के बजाय घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। सीएम नायडू ने कहा, हम प्रसाद में शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान दिया है और प्रसाद को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तिरुमाला मंदिर में प्रसाद जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल होता था, सामग्री इस्तेमाल होती थी, वो घटिया सामग्री थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जानवरों की चर्बी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, हम प्रसाद में शुद्ध घी का उपयोग कर रहे हैं। और अब बात कोलकाता की करेंगे। बुधवार को बंगाल सरकार और डॉक्टर्स के बीच हुई बैठक। बैठक के बाद बंगाल सरकार ने बयान दिया है, डॉक्टर्स की 8 में से 7 मांगे मानी गई है। स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग अस्वीकार की गई है। बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद बंगाल सरकार के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर्स के साथ बातचीत सकारात्मक रही। जूनियर डॉक्टर्स की 8 में से 7 मांगों को मान लिया गया है, जबकि 8वीं मांग स्वास्थ्य सचिव NS निगम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग अस्वीकार कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बंगाल में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल
जल्द ही खत्म हो सकती है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स कब काम पर लौटेंगे इस बारे में अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार बिहार के कैमूर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर पहुंचे कुछ ग्रामीण हेलीपैड तक पहुंचकर। हाथ में बुक लिए इन लड़कियों को सीएम नीतीश कुमार के सुरक्षा गार्डों ने पकड़ा है। सामने नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर था। कैमूर के मुंडेश्वरी धाम और रामगढ़ प्रखंड के तेरा में वो करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देने आए थे। सीएम के आने की खबर पर आंटडेह गांव के सैकड़ों लोग बैनर के साथ नाव से नदी पार कर पहुंचे। लोगों का कहना है कि एक अदद सड़क के लिए गुहार लगाकर थक चुके हैं। यहां सीएम से भी मिलने नहीं दिया गया। हम यहां किसी से डरते नहीं है और यहां की फोर्स हमें उनसे मिलने नहीं दे रही है। इधर नौकरानी की सुसाइड केस में यूपी के भदोही से समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के बेटे जईम बेग के वकील का आरोप है कि तीन दिन पहले ही पुलिस ने विधायक के बेटे को हिरासत में लिया था, लेकिन कल नाटकीय रूप से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाते हुए एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से जईम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिस पर वकील ने पुलिस पर फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप भी लगाया है। राजनीतिक तौर पर बिना किसी साक्ष्य के, क्योंकि ये एफआईआर में नामजद नहीं है और अभी तक उस पीड़िता लड़की का बयान भी 164 का न्यायालय में नहीं कराया गया, जिसके आधार पर ये मुकदमा कायम कराया एसआई ने। तो मतलब उसी मामले में सहभियुक्त बनाया? सहभियुक्त बनाया है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.5% की कटौती का ऐलान किया। अमेरिका के इस फैसले से अमेरिकी शेयरों में उछाल देखा गया। इसके बाद सोने की कीमतें अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं और डॉलर में गिरावट भी आई है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर बाजार और गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं डॉलर पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, इससे रुपया मजबूत हो सकता है। ऐसे में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर फेडरल रिजर्व का फैसला नकारात्मक असर डालता हुआ दिखाई दे सकता है। ओडिशा के श्री मंदिर के रत्न भंडार की तलाश शुरू कर दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगुवाई में ये काम शुरू किया गया है। श्री मंदिर के रत्न भंडार के अंदर और बाहर की दीवारों की लेजर स्कैनिंग की गई। एएसआई की टीम रत्न भंडार की संरचना और संभावित गुप्त कक्षों और सुरंगों की तलाश करने में जुटी है। अगला चरण ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे का होगा। सर्वेक्षण 25 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। अभी हमारा जो मेन काम अभी है वो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम का, जो हमारे को सर्वे करना है वो अभी हमारा काम अभी बाकी है। जो कि मैंने अभी आपसे बताया कि हमारी बहुत जल्दी इसकी जो एनजीआरआई की टीम दोबारा आके इस काम को पूरा करेगी। लद्दाख में भारतीय सेना ने हिम ड्रोन एथॉन का आयोजन किया। इस आयोजन में 20 से अधिक स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं ने भाग लिया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन। भारतीय सेना ने लद्दाख में हिम ड्रोन एथॉन 2 का शक्ति प्रदर्शन किया। इसका मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों के दौरान ड्रोन शक्ति में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। ये शक्ति प्रदर्शन 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के वारीला पास में हुआ। यह आयोजन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी FICCI के सहयोग से किया गया। इस ड्रोन शक्ति प्रदर्शन के बाद आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी हथियारों के निर्माण की दिशा में भारत ने अपना एक और संकल्प पूरा किया है। कल हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या मुंबई टीम रोहित शर्मा को रिटेन करेगी? 55% यस, 45% नो। क्या पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रूल आएगा? 45% यस, 55% नो। क्या तीनों सेनाओं के लिए कॉमन डिफेंस स्टेशन मुंबई में बनेगा? 40% यस, 60% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पांसिबली, टीएनसी अप्लाई। अखिलेश यादव का यूपीएसटीएफ को लेकर एक्सपोस्ट। एसटीएफ में पीडीए से सिर्फ 2 अफसर, अखिलेश यादव ने कहा। एसटीएफ में दूसरे वर्ग के 21 ऑफिसर तैनात, अखिलेश यादव का बयान। एसटीएफ बलशाली लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है। जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनात।